सरकार भले ही खनन माफियाओं पर सख्त कार्रवाई की बात कर रही है, लेकिन इसके बावजूद खनन माफिया सुधरने का नाम नहीं ले रहे। कुशीनगर जिले के आधा दर्जन तहसील क्षेत्र में अवैध बालू खनन का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। बता दें कि जिले में किसी भी घाट से बालू खनन का पट्टा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद नदियों में पानी घटते ही ये कारोबार तेजी से फल फूल रहा। अधिकारियों के मिलीभगत से अवैध खनन जोरों शोरों से हो रहा है। अवैध बालू को खरीदने वाले दुकानदार कम कीमत में बालू को खरीद के दोगुनी कीमत में बेचकर मोटाई कर रहे हैं। अवैध खनन के इस कारोबार पर अंकुश लगाने की जिम्मेदारी राजस्व और पुलिस टीम की है, लेकिन कारोबारियों ने इसकी मिलीभगत के चलते किसी से रोकथाम में जरूरत नहीं समझी और कार्रवाई करने के बजाय जेब भरने में लगे हुए हैं। बता दें कि मौजूदा समय में नदियों का पानी घटते ही एक बार फिर अवैध रूप से बालू खनन का कारोबार शुरू हो चुका है। यहां हो रहा अवैध खनन कुशीनगर जिले के पडरौना, कप्तानगंज, हाटा, कसिया, खड्डा आदि तहसीलों के गंडक नदी घाट पर पूरे दिन चल रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने कई बार प्रशासन से शिकायत की, लेकिन इसके बावजूद अधिकारी मूक दर्शक बने हुए हैं। ये नदी कटेगी, बाढ़ आएगा, दिक्कत तो है। हाँ, नहीं है, खेती सब कटेंगे सर। से खेती भी बर्बाद होगी, मान लीजिए अगल बगल जो खेती है, खेती बर्बाद नहीं होगा। फिर भी जो है जोर शोर पे सब अपना काम कर रहे हैं। काम कर रहे हैं, ये तो दिखाई भी दे रहा है सामने, आज से थोड़ी ना है। हम लोग तो जब से आए तब से देख रहे हैं कि तो वो निकलता है, तो मान लीजिए प्रशासन का ही सब तो करना। पुलिस वुलिस एसडीएम नहीं आते हैं लोग? कोई नहीं आते, नहीं आते हैं लोग, कभी कभार कोई नहीं आता है हमारा। हम लोग तो आज तक कोई पुलिस नहीं देखा, नहीं उनकी भी मिली भगत, मिली भगत होगा ही होगा थोड़ी ना। में विगत वर्ष में 5 पट्टे थे, हाँ, 2016-17 में, जो कि वर्तमान समय में सब निरस्त हो चुके हैं। वर्तमान समय में कोई पट्टा है नहीं, मतलब बालू खनन कहीं नहीं हो सकता है पूरे जिले में। नहीं नहीं, बालू, हाँ, जनपद के अंदर, हमारे जनपद के अंदर कोई भी लीगल पॉइंट वर्तमान समय में नहीं है। तो जहाँ कुछ होता दिख रहा है उसके लिए क्या कुछ है? उसके लिए कार्रवाइयाँ जहाँ सूचना मिलती है मेरे स्तर से पूरी कार्रवाई हो रही है। लगातार कल कप्तानगंज में हम लोगों ने लाइव चेक किया था और लगातार वहां पर होता दिखाई दिया बालू खनन, तो इसके लिए क्या कुछ? इसके लिए आपने अगर हमको सूचित किया तो हम उसको, मैं मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि उसको हम कार्रवाई करेंगे। अवैध रूप से होने वाले बालू खनन का खामियाजा तटवर्ती गांव के लोगों को हर साल भुगतना पड़ता है। बालू निकालने के चलते किनारे काफी गहरे हो जाते हैं और बरसात के समाज में कट्टान के चलते दर्जनों गाँव में बाढ़ का पानी कहर बरपाता है। अधिकांश लोग बाढ़ के कहर से बचने के लिए घर से बेघर हो जाते हैं। गांव के लोगों ने दर्जनों बार इसी अवैध खनन की शिकायत की, लेकिन कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई और अधिकारी कोई सुध नहीं ले रहे। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुशीनगर से अनुप यादव की रिपोर्ट।